आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। एक बीवी थी, एक सहाबी थे, मजदूर मजदूरी करते थे, गरीब आदमी थे। सुबह को निकले, दिन भर मजदूरी का काम तलाश किया, कोई काम नहीं मिला। शाम को खाली हाथ घर वापस आ गए। घर में कुछ खाने को था नहीं, दोनों मियां बीवी भूखे सो गए। कह देना बहुत आसान है, अल्लाह न करे हम पर कभी फाका पड़े। फाका, आदमी को चाय नहीं मिलती तो दिमाग खराब हो जाता है। कुछ नहीं था, पानी के सिवा कुछ था ही नहीं, एक प्याली दूध नहीं था। भूखे सो गए। सुबह को फिर निकले, फिर बीवी ने दरवाजे तक आके सलाम करके रुखसत किया। फिर बेचारों ने दिन भर काम तलाश किया, फिर शाम को खाली हाथ वापस आ गए, फिर कुछ नहीं मिला। फिर दोनों मियां बीवी दूसरी रात भूखे सो गए, दो रातें और दो दिन। अब तीसरे दिन सुबह को फिर बीवी ने दरवाजे पर रुखसत किया, वही सुन्नत के मुताबिक मुस्कुराते हुए सलाम करके। अब वो शौहर निकले, लेकिन जब तंग कदम शौहर चल के बाहर गए तो बीवी को कुछ याद आया। उन्होंने वापस बुलाया, उन्हें कहा जरा एक मिनट मेरी बात सुनिएगा, एक बात भूल गई थी कहना। वो वापस आए। अब जब ये वापस आए तो इस बीवी ने क्या कहा अपने शौहर से? अपनी बीवी ने शौहर से ये कहा कि मैं आपसे ये कहना भूल गई थी, इसलिए आपको बात बुलाया कि दो रातें दो दिन तो हो चुके हैं, दोनों फाके से हैं। मेरी मोहब्बत की वजह से आज अगर आपको कोई काम न मिले तो कहीं मेरी मोहब्बत की वजह से आप कोई हराम लुकमा लेकर मत आइएगा। तीसरी रात हम फिर खाली भूखे सो लेंगे, मगर हराम लुकमा लेकर मत आइए। मुझे बताओ, यहां थोड़े से मर्द बैठे हैं, किस मर्द को ऐसी बाहिम्मत और वफा शियार और साथ देने वाली ऐसी बीवी मिल जाएगी? वो मर्द दुनिया का बादशाह अपने को महसूस करेगा कि नहीं करेगा? वो पहाड़ों से टकरा जाएगा सिर्फ उसी एक वफादार औरत की मोहब्बत के सहारे। आज तो खुश करते करते मर्दों की जान निकली जा रही, कमर टेढ़ी हुई जा रही, ओवर टाइम कर रहे हैं, नमाजें छोड़ रहे हैं, फिर भी बीवी खुश नहीं होती तो मत परेशान रहता कि मैं कैसे खुश रखूं, करूं क्या? घर के अंदर के सुकून का सचश्मा वो औरतें हुआ करती थी जो ये कहती थी कि आपकी सेहत मुझे अजीज है, आप ज्यादा मेहनत मत कीजिए, मैं चटाई पर सो लूंगी, पंखा झलझल के अपनी गर्मी को बर्दाश्त कर लूंगी, मगर खुदा के लिए अपनी सेहत मत खराब कीजिए। जब बीवी शौहर से ये कहेगी कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, इतना ज्यादा मत कमाइए कि आपकी सेहत खराब होने लगे, इतना टेंशन मत लीजिए, सादा से जिंदगी गुजारने में बड़ा मजा है, जरा बच्चों के पास बैठिए, वक्त दीजिए बच्चों को, आप सुबह से निकलते हैं रात में आते हैं, दो साल तीन तीन साल दूसरे मुल्क में रहते हैं, ये कोई जिंदगी नहीं है, मैं इस तरह की जिंदगी गुजारना नहीं चाहती। जो औरत इस तरह की बात अपने शौहर से कहेगी, आप बताओ उस घर में सुकून की जन्नत होगी कि? एक सहाबी अल्लाह के रास्ते के सफर से वापस आते हैं कई महीने के बाद। अब आदमी अपने घर वापस आता है, तमन्नाएं लेकर आता है, अरमान लेकर आता है, ख्वाहिशात लेकर आता है, नए तरह तरह के खूबसूरत ख्यालात उसके दिल में होते हैं। अब वो आया घर में, बीवी ने खूब अच्छा इस्तकबाल किया, खुशियों के सारे सामान फराहम किए, बहुत अच्छी रात गुजरी, बहुत प्यार भरी रात गुजरी। बच्चा, एक बच्चा था, शौहर देख रहा है कि बच्चा कहीं नजर नहीं आ रहा, तो थोड़ी देर के बाद वो पूछता है बीवी से कि बेटा कहाँ है, तो बीवी कहती है कि वो बहुत आराम से, बहुत सुकून से, मुतमा, कुछ नहीं बताती, भनक नहीं लगने देती। जब रात पूरी गुजर जाती है प्यार भरी, सुबह को बीवी अपने शौहर से एक बात पूछती है, एक मसला बताइए, आपके पास कोई अमानत किसी ने रखाई हो और वो अमानत वापस मांगे तो आप बताइए क्या करना चाहिए? तो वो कहने लगी कि कोई मसला पूछने का है, अमानत तो होती है इसलिए कि वापस करनी चाहिए, फौरन वापस करना चाहिए, और वापस मांगने पर कोई बुरा नहीं मानना चाहिए। तो कहने लगी बस यही किस्सा है, अल्लाह ने मुझको और आपको जो बेटा दिया था अमानत के तौर पर, वो आप सफर पर थे, उसका इंतकाल हो गया, अल्लाह ने वो अमानत वापस ले ली। मैं रात आपको बता देती मेरे सरताज तो आपकी रात खुशियों भरी न गुजरती। मेरे दिल से पूछिए कि मैंने कितना अपने दिल पर पत्थर रखा,
एक माँ हूँ मैं, और आप आए तो उस बच्चे की याद नए सिरे से ताजा हुई होगी। आप सोचिए, निपट के रोती, शिकवे करती, शिकवे न भी करती तो गम का तो इजहार करती, लेकिन पूरी रात गुजर गई और भड़कने लगने दी। सुबह को हुआ, सहाबी सन्नाटे में आ गए, हैरत में लगे कि ये बीवी है, ये क्या नेमत है, ये है कौन, क्या मेरा नसीब है कि मुझको ऐसी बीवी मिल गई। जब वो साहबा खुश होते थे तो भाग कर किसको खुशखबरी सुनाते थे, अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफा। परेशान होते थे तो जाकर किससे रोना रोते थे, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो चेहरा ही उनका ऐसा था कि उनको देखकर सारे गम भूल जाएं, और खुशखबरी भी सबसे पहले उन्हीं की खिदमत में, इसलिए कि वो जानते थे जो मिल रहा है उन्हीं के कदमों और दुआओं के तुफैल मिल रहा है। भागे भागे गए हुजूर को जाकर ये खबर सुनाई और ये बताया कि आज ये रात ये वाकया पेश आया, मैं अल्लाह के रास्ते में गया हुआ था, लंबा सफर था, वापस आया, खुशियों भरी रात गुजरी, बेटे को पूछा, ये जवाब मिला। सुबह को उसने बताया कि बेटे का इंतकाल हो चुका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर अजीब कैफियत में आए और उसके बाद कहने लगे, जन्नत में तुम दोनों को अपने साथ टहलता हुआ मैं अल्लाह के यहां देख रहा हूं। जाकर बीवी को खुशखबरी सुनाओ, जाकर बीवी को खुशखबरी सुनाओ, मेरे साथ वाली जन्नत नसीब कर देने का अल्लाह ने आज फैसला कर दिया, और उससे बेहतर खुश नसीब बेटा तुमको मिलेगा, और नस्लों में तुम्हारे बेटों में, तुम्हारी नस्ल में, हर नस्ल में उम्मत का बहुत बड़ा आलिम पैदा होगा। एक बीवी के वफा और अखलाक और सब्र के नतीजे में 700 साल तक उम्मत को जो फुकहा और मुहद्दिसीन मिले हैं, उसमें हर जमाने का सबसे बड़ा फकीह उन्हीं की औलाद से होता है। यह है बरकत, एक औरत कितनी बरकत वाली साबित हो सकती है। मेरे आका ने यही कह दिया कि खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा, दुनिया की सबसे कीमती नेमत, सबसे बढ़िया नेमत एक नेक बीवी है। हुजूर फरमा रहे अल मरअतु सालिहा, और तो आप इतनी अहम मखलूक हो, न मर्दों ने आपको पहचाना, न आपने खुद अपने को पहचाना। सच्ची बात, मर्दों ने भी आपको किस निगाह से देखा, आपसे खाली काम निकाले, आप तो खाली घर के काम में जोत दिया, आप तो डांटा, आपका दिल दुखाया, ना आपको विलायत के रास्ते पर चलाया, ना आपको जिक्र सिखाया, ना आपको अल्लाह की मोहब्बत सिखाई, ना आपको तहज्जुद सिखाई, ना आपके अंदर अल्लाह के रसूल का इश्क पैदा किया, न मर्दों ने किया, न आप खुद अपने को पहचानी। आपकी खास सिवाय होंठों और आंखों और चूड़ियों और बुंदों इसी में लगी रहती हैं, बखाली इसी के तस्करे, इसी की तारीफ, इसी की बुराई, और फिर उसके बाद जब दिल आपका छोटी चीजों में उलझता है तो फिर हसद पैदा होता है। आप इसके कान भरती हैं, उसके कान भरती हैं, इसके खिलाफ शिकायत करती हैं, शौहर को उसकी बहन के खिलाफ भड़काती हैं, शौहर को उसकी माँ के खिलाफ भड़काती हैं, फिर सास और बहू के झगड़े खड़े होते हैं, फिर नंद और भावच के मसाइल खड़े होते हैं, और घर एक महाभारत का मैदान बन जाता है, और आदमी उस घर पर लालच भेजता है। दीनदार आदमी मस्जिद में वक्त गुजारता है, मागा मारा फिरता है, भागा भागा फिरता है, और दुनिया समझती है कि दीन का बड़ा काम कर रहा है, हालांकि असल में शायद भागने की वजह यह है कि उसके घर में सुकून नहीं है। और जो दुनियादार आवारा लोग हैं वो शराबखानों में और जुए खानों में पनाह लेते हैं, और सिर्फ इसलिए कि घर का सुकून नदारत था, इसलिए सब चौपट हो गया। ये तो घर के अंदर सुकून के फैलाने का हुनर है, और तो तुम्हारा दीन असल में ये है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया, अय्युम इमरातिन सल्लत खमसहा व सामत शहरहा व अताअत बअलहा दखलतिल जन्नत मिन अय्यि बाबिन शाअत। कोई भी औरत हो वो खाली इतने से काम कर ले, पांच वक्त की नमाज पढ़ ले, रमजान के रोजे रख ले, अल्लाह ले मेहरबानी अल्लाह के रसूल की, वो जानते हैं कि मेरी उम्मत की औरतों को बच्चे भी पालने हैं, उनको दूध भी पिलाना है, उनको बच्चों को पेट में रखने की तकलीफ भी बर्दाश्त करनी है, उनको बच्चों को जन्म देने की तकलीफ भी बर्दाश्त करनी है, इसलिए नफली रोजे मैं अपनी उम्मत की औरतों से नहीं कहूंगा कि वो रखें, वो खाली फर्ज रोजे रखें, उन्हें सेहत कमजोर हो जाएगी, थोड़े बहुत रोजे शौक में रख लें, लेकिन ज्यादा नफली रोजे रखना मैं अपनी उम्मत की औरतों से नहीं कहता।
میں زیادہ نفلی نمازوں کو بھی نہیں کہتا، خالی یہ عورت اپنی نیت ٹھیک کر لے تو یہ اپنے بچے اور شوہر کی خاطر جو رات میں جاگے گی اولیاء اللہ کو تہجد میں وہ ثواب نہیں ملے گا جو بچے کی خاطر جاگنے میں اس ماں کو ثواب. گھر کے اندر کا سکون اس کا سینٹر عورت ہے. اور آپ عورتوں سے صرف ایک ہی بات عرض کرنا ہے، وہ سکون دینے کا گر سیکھ لیجیے، بجائے اس کے کہ اس کی شکایت کر رہی ہیں، اس کی شکایت کر رہی ہیں، اس سے ناراض، اس سے ناراض. یہ بہت گندی زندگی ہے، یہ بالکل دنیا اور آخرت کو برباد کر دینے والی چیز ہے. آپ اگر اللہ سے اللہ اللہ کرنے لگیں چپکے چپکے، عورتوں کے ذکر کے لیے یہ نہیں بتایا جاتا کہ وہ مردوں کی طرح پہلے تنہائی میں بیٹھیں تب ذکر کریں، عورتوں کے ذکر کے لیے بتایا جاتا ہے اپنے کام کرتی رہو، اللہ اللہ کرتی رہو، درود شریف پڑھتی رہو، کپڑے دھوتی رہو، کچن میں کام کرتی رہو، گھر کو صاف رکھو، بچے کو نہلا رہی دھلا رہی ہو، لوریاں سناتی رہو، اللہ اللہ کرتی رہو، اچھے کلمے پڑھتی رہو، بس یہ تمہارا ذکر ہے. فرمایا ایو ممرا دن، پانچ وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے اور اپنے شوہر کو خوش رکھے، بحث نہ کرے، جنگ نہ کرے، اپنے آپ کو بالکل بالکل حوالے کر دے، بالکل حوالے کر دے، بس پھر وہ کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں جنت کے جس دروازے سے چاہے گی اس عورت کے لیے داخلے کی اجازت ہوگی. یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے صحابہ کرام کے گھروں میں اور اللہ والوں کے گھروں میں چیزوں کی کمی کے باوجود سکون اور محبت کا ایسا ماحول ہوتا ہے کہ دنیا کے لکھ پتی اور کروڑ پتی ایک منٹ کے لیے بھی اس سکون کا مزہ ابھی تک چکھ ہی نہیں سکتے، وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ سکون کہتے کیا. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ.